ऐसे आप सब रात के 11:30 बज रहे हैं, याद रखिए 11:30 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है मेरा ये, क्योंकि अभी मुझे बर्तन साफ करने हैं। और सही से होके बैठ जाओ पतिदेव, कैमरा आपके पास आने वाला है। ठीक है, मुझे उसका भी दुख है, मैं ये नहीं कह रही मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे उसका बहुत दुख है। अमेज में गया बेचारा यार, भुला भी आया यार, मैं क्या बोलने वाली थी, इनसे मिलिए मेरे पति हैं। ये सही होके बैठ सुल्तान बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं जो बोल रही हूँ इसलिए बोलेंगे नहीं। ये मेरा एनिमेट्स हो रहा है बेटा, उड़ जाएगा, इससे पहले ये उड़ जाए मैं किचन का काम निपटा के आती हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं और उसके बगल में देखो कपड़े रखे हुए हैं जिनकी मुझे तय बनानी है, ये रखे हैं कपड़े। वॉशरूम की लाइट जली छोड़ दी आपने सुल्तान, और देखो यार खाना खा के पी के सारी चीजें यही सोफे में सुला देते हो। ये देखो ऐसे होते हैं आदमी, ये आदमी ऐसे होते हैं, जहाँ खाएंगे वहीं बर्तन रख देंगे, मदद करने की हिम्मत ही नहीं बिल्कुल भी। और ये देखो ये पन्ना लेके आए, पन्ना नहीं छूट रही, वहां पे छूट गया, सारे काम मैं कर ही रही हूँ। हाय दही भी जमा, दूध भी गर्म करना है, बर्तन भी साफ करने हैं, कितना काम है मुझे, और फिर बच्चे को भी सुलाना है, सो रहा है वो जाग रहा है। तो हम करते हैं बर्तन साफ। आप लोग भी ये सोचोगे कि मैं बर्तन ही साफ करती रहती हूँ, क्या करूँ, मेरा काम ही बर्तन साफ करने का है। सिंक में एक भी बर्तन नहीं है क्योंकि मैंने बर्तन साफ कर दिए देवी से, और मैंने कपड़ों की तैयारी बना ली, किचन का काम खत्म हो गया। और कौन कह रहा था मेरे पास कपड़े पड़े हुए तैयार बनाने के लिए, देखो मैंने कपड़ों की तैयारी बना दी और रात के बज गए 12:15, तो अब निपटा मेरा काम और ये जाग जाएगा। तो दूसरे रूम में जाके देखती हूँ, इसी चल रहे हैं क्योंकि मुझे रनिंग।
मेरे को तो इधर ही सोना है। चलो मम्मी को लेके आती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर बहुत ही खराब लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और देखते रहिए मेरे ऐसे ही ब्लॉग, मैं ऐसे ही ब्लॉग डालती रहूंगी और आप लोग देखते रहिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।